أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Respected students Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Today our lesson part 12 class is Powers and Functions of President of India What are its powers and what are its functions The President of India کیا کیا power ہے اس کی کیا functions ہے تو شروع کرنے سے پہلے ہم کیا کریں گے وہی دن میں آپ کو تھوڑا بتاؤں گا کہ ہمارے جو President صاحب ہیں رام ناتھ کووند صاحب ہیں उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है पैदाइश जो है 1 अक्टूबर 1945 में है तो सबसे पहले क्या है एट द एज ऑफ 5 ईयर जब वो उसका जो पेरेंट्स थे वो शॉपकीपर या दुकानदारी का काम करते थे लेकिन जब उनकी वो एज 5 बरस की थी तो उसकी जो मदर थी उसकी डेथ हो गई वो जल गई उसके बाद उसको ये बहुत शौक था पढ़ने का तो उसने BCom की डिग्री हासिल की और उसके साथ उसने LLB की डिग्री हासिल की और जो सिविल सर्विस में भी उसने काफ़ी कोशिश की दो दफ़ा उसने कोशिश की तो तीसरी बार वो उसमें कामयाब हो गए तो इसके बाद उन्होंने तो राज्यसभा के मेंबर भी रहे 12 ईयर्स उसके बाद उन्होंने ज्वाइन किया BJP ज्वाइन किया तो उसके बाद वो गवर्नर भी रहे और गवर्नर के बाद उन्होंने क्या किया जब वो नामिनेशन तो हो रहा है कि प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया के पोस्ट के लिए तो उन्होंने उसके लिए अपना नाम फार्म भर दिया नामिनेशन के लिए अपना फार्म इंटर किया तो उन्होंने क्या किया तो उसने जो 65.65% उसकी जो होगी वोटिंग किसी वो कामयाब हुई इस तरह वो दूसरे प्रेसिडेंट है जो दलित कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं तो टुडे हमार लेसन इज पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो शुरू करने से पहले हम क्या थोड़ा इसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी दें कि Article 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया provides that the president is to be elected by an electoral college consists of the members of both the house and parliament both the houses of the parliament and elected members of legislative assembly jo article 45 jo indian constitution ka wo usme likha hai ki jo hamara president hona chahe usko jo iska jo election hona chahe uske liye electoral college hota hai to usme kaun kaun se hissa lete hain ek lete hain jo parliament jo hota hai उसके जो पार्लियामेंट के जो होते हैं राज्यसभा लोकसभा और स्टेट असेंबली उसमें हिस्सा लेते हैं इलेक्शन इज हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जिसका जो इलेक्शन होता है वो तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पर होता है कि किसको किसको किस तनासब के साथ उसमें हिस्सा लिया जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिंगल ट्रांसफर वोट के जरिए उसका जो इंतखाब किया जाता है द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLAs and the members of MPs is calculated using the following formulas. Formula क्या है हम उसको कि MLA जो होता है या MP जो होता है उसका जो वोट का जो वैल्यू होता है वो किस तरह हम उससे मतलब किस उसके लिए कौन सी फार्मूला होती है तो फार्मूला होती है वैल्यू ऑफ वन MLA's वोट MLA जो होता है उसके जो वोट होता है उसका क्या वैल्यू होता है उसको होते हैं स्टेट पॉपुलेशन स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है ओवर 1000 मल्टीपल नंबर ऑफ स्टेट MLA उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और स्टेट में जो कितने MLAs होते हैं उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करके हमें उसे निकलता है कि वैल्यू ऑफ वन MLA's वोट कि एक MLA का वोट का कितना वैल्यू है इसी तरह हमें जो होता है कि वैल्यू ऑफ वन MP's वोट जो MP जो होता है मेंबर पार्लियामेंट जो होता है उसका जो वोट होता है उसका वैल्यू क्या होता है उसके लिए भी एक फार्मूला होती है वो फार्मूला होती है टोटल वोट्स ऑफ MLAs जो MLAs के टोटल वोट्स होते हैं और टोटल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टोटल मेंबर्स ऑफ टोटल मेंबर्स कितने वोट्स कितने हैं MLAs के और उसके बाद टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं इसे क्या होता है इसे हमें होता है कि वैल्यू ऑफ वन MP जो होता है उसके वोट का क्या वैल्यू होता है द प्रेजिडेंट इज इलेक्टेड 5 ईयर्स के लिए उसको इलेक्ट किया जाता है और वो एलिजिबल होता है वन फॉर रीइलेक्शन तो उसको दोबारा भी वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है तो रीइलेक्ट के लिए भी वो अपना फार्म दोबारा भर सकता है दूसरी बार भी तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए जो प्रेसिडेंट के लिए जो इलेक्शन लड़ने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सबसे पहले क्या होनी चाहिए ही शुड बी ए सिटीजन वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए वो यहाँ का शहरी होना चाहिए हिंदुस्तान की उसकी सिटीजनशिप होनी चाहिए नंबर सेकेंड तो होना क्या है ही इज़ एलिजिबल वंस फॉर इलेक्शन और वो क्या होना चाहिए वो एलिजिबल होना चाहिए किसके लिए एलिजिबल होना चाहिए इलेक्शन के लिए इलेक्शन के लिए वो होना चाहिए ही शुड नॉट बी 35 ईयर्स अभी है उसकी जो एज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए उसको 35 ईयर्स होनी एज यानी उसकी जो एज होनी चाहिए इलेक्शन के लिए कम से कम मतलब उसका होना चाहिए जो एज होनी चाहिए वो 35 ईयर्स होनी चाहिए ही शुड बी एलिजिबल
eligible voter and should be eligible for the contesting election of Lok Sabha. एक तो वोट eligible होना चाहिए वोट डालने के लिए, दूसरा वो eligible होना चाहिए किसके लिए, क्योंकि अगर वो contest करता है election उसके लिए भी eligible होना चाहिए, अहल होना चाहिए, election के लिए भी अहल होना चाहिए और किसके लिए वोट डालने के लिए भी वो अहल होना चाहिए. She should not hold any ऐसा private, उसको कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई होल्ड वो नहीं करना चाहिए ऐसा प्राइवेट, यानी उसको कोई मतलब कोई मुलाजिम नहीं होना चाहिए या कोई ऐसा इजारा नहीं जिससे वो प्रॉफिट हासिल कर सकता है, ऐसा प्राइवेट नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा कि वो ऐसा होना ही शुड नॉट होल्ड एनी ऐसा प्रॉफिट, यानी ऐसा प्रॉफिट वो होल्ड नहीं करना चाहिए. तो इसके साथ क्या है, शी ऑफ ही शुड बी ए मेम्बर ऑफ, शुड नॉट बी ए मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट, और क्या होना चाहिए वो पार्लियामेंट का मेम्बर नहीं होना चाहिए, जो प्रेजिडेंट होना के लिए इलेक्शन लड़ रहा है उसके क्या होना चाहिए, तो उसको किसी लिए ज़रूरी है कि वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होना चाहिए. तो ये हो गया. अब इसके बाद पावर्स एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो पावर्स क्या है प्रेसिडेंट के और इसके फंक्शन क्या है, जो हमने थोड़ा आपको डिटेल दी किस तरह का ऐसा होना है, उसके मतलब क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, किस तरह उसका इलेक्शन होता है. अब हमारा है कि पावर्स एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पावर्स क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं. सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या है इसके, एग्जीक्यूटिव जो पावर्स होते हैं तो वो क्या पावर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर जो होते हैं प्रेसिडेंट के वो किस तरह के होने चाहिए, एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होनी चाहिए. सबसे पहले क्या होना चाहिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट ऑल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आर लिस्टेड इन द इंडियन प्रेस, जो भी हम पावर जो भी हम क्या करते हैं और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं, जो भी एग्जीक्यूटिव पावर जो होते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर जो होते हैं तो वो क्या प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज द ऑल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आर वेस्टेड इन द इंडियन प्रेस, जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं. नंबर सेकंड, ऑल एग्जीक्यूटिव डिसीजंस आर टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, जो भी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लिए जाते हैं तो वो प्रेसिडेंट के नाम पर लिए जाते हैं इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट. Number C, the president appoints the TM, prime minister, and on his advice, council of ministers. तो क्या करता है, जो president होता है वो पहले इसको prime minister को appoint करता है और उसके कहने पर उसकी advice पर वो council of ministers जो होते हैं उनको appoint करता है. यानी उसका एक और function क्या है, पहले वो क्या करता है, पहले जो prime minister होता है जो majority party होती है parliament उसमें उनका जो लीडर होता है उसको दावा देता है तो वो फॉरेन गवर्नमेंट करता है तो उसके कहने पर ही वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं उनको अपॉइंट करता है. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ पीएम टू इन्फॉर्म प्रेसिडेंट अबाउट ऑल इम्पोर्टेंट डिसीजन, तो ऐसा होता है जो पीएम जो होता है, प्राइम मिनिस्टर जो होता है, जो इम्पोर्टेंट डिसीजन होते हैं पार्लियामेंट के उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ज़रूरी होता है, प्राइम मिनिस्टर जो होता है, पीएम जो होता है उसको जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसको वो क्या करता है, वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्मेशन उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके बारे में उसको इन्फॉर्म करता है. तो इसमें द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स, और प्रेसिडेंट क्या करता है, अपॉइंट करता है, किस किस को अपॉइंट करता है, अटॉर्नी जनरल जो होता है उसको अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है उसकी भी अपॉइंटमेंट होती है वो प्रेसिडेंट करता है. अच्छा, दूसरा क्या होता है, दूसरा कॉम्पिटोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कॉम्पिटोलर होता है, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है उसकी अपॉइंटमेंट जो होती है वो भी प्रेसिडेंट ही करता है. जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, हाई कोर्ट्स के जज जो होते हैं या सुप्रीम कोर्ट के जज जो अपॉइंटमेंट जो होती है वो भी क्या करते हैं, वो भी अपॉइंट कौन करता है, इनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है. तो इसी तरह जो गवर्नर जो होते हैं स्टेट्स के जो गवर्नर जो होते हैं उनको भी अपॉइंट प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है. मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, मेंबर जो होते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं तो उनको की अपॉइंटमेंट जो होती है वो भी प्रेसिडेंट ही करता है. एम्बेसडर्स हो गए, जो दूसरे मुल्कों में हमारे एम्बेसडर्स होते हैं सफीर होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही करता है. और इलेक्शन कमीशन का भी वो जो होता है चीफ एलिंग उसकी अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही करता है. इसके बाद है मिलिट्री पावर्स, इसके लिए सबसे पहले हमने पढ़ा एग्जीक्यूटिव पावर्स, आप इसके बाद करेंगे मिलिट्री पावर्स क्या है इसके. द प्रेजिडेंट अपॉइंट्स मिलिट्री पावर, द प्रेजिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया, जो प्रेजिडेंट जो है वो सुप्रीम कमांडर है फोर्स, जो इंडिया का फोर्स जो है उसका जो सुप्रीम कमांडर है वो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है. सुप्रीम कोर्ट जो जो
सुप्रीम कमांड डिफेंस फोर्स है उसका जो सुप्रीम कमांडर है वो प्रेसिडेंट होता है। इसके बाद द प्रेसिडेंट हैज द पावर्स टू डिक्लेयर वॉर एंड पीस। प्रेसिडेंट को इतने पावर्स हैं वो वॉर डिक्लेयर भी कर सकता है और पीस भी डिक्लेयर कर सकता है। ये हो गए इसकी मिलिट्री पावर। सबसे जो है सबसे पहला जो है कि वो है जो प्रेसिडेंट जो है वो है सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स का। और नंबर सेकंड इसका क्या है कि ये पावर को पावर है प्रेसिडेंट को कि वो क्या कर सकता है, वो वॉर भी डिक्लेयर कर सकता है और पीस जो है पीस के लिए भी वो डिक्लेयर कर सकता है, यानी वो अमन के लिए भी उसको डिक्लेयर कर सकता है और पीस जो ये वार जो है वार के लिए भी उसको डिक्लेयर कर सकता है। तो इसके बाद डिप्लोमेटिक पावर। इसके बाद डिप्लोमेटिक पावर हो गई सफीर सफारत की पावर। सफारती जो पावर जो होते हैं सब वो क्या होते हैं डिप्लोमेटिक। द प्रेजिडेंट अपॉइंट्स एम्बेसडर्स अब्रॉड। जो प्रेजिडेंट जो होता है वो अपने सफीर जो होते हैं एम्बेसडर जो होते हैं दूसरे मुल्कों में वही अपॉइंट करता है। ही इवन रिसीव्स पेपर्स फ्राम डिप्लोमेटिक इन्वॉल्व ऑफ अदर स्टेट्स। वो क्या करता है कि अदर स्टेट जो होते हैं अदर वो दूसरे मुल्क जो होते हैं उनके जो होते हैं पेपर जो होते हैं वो उसके रिसीव करता है। जो उनके डिप्लोमेट्स होते हैं उनसे उनको वो रिसीव करता है। जो प्रेसिडेंट जो होता है जो दूसरे स्टेट जो होते हैं जहाँ वो काम करते हैं वहाँ के जो पेपर्स होते हैं वो भी प्रेसिडेंट रिसीव करता है थ्रू जो डिप्लोमेट होते हैं उनसे वो रिसीव करता है। तो इसके बाद हो गए लेजिस्लेटिव पावर। तो डिप्लोमेटिक पावर्स भी आ गए। अब इसके बाद हम चलेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स क्या क्या होते हैं प्रेसिडेंट के। सबसे पहले जो द प्रेसिडेंट हैज पावर टू समन प्रोग्राम एंड द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लॉ। जो प्रेसिडेंट जो होता है इसके पावर जो होता है वो जो पार्लियामेंट जो होता है उसको बुलाता भी है उसको वो मुलतवी भी रखता है और उसको डिसॉल्व भी कर सकता है। ये पावर्स किसके प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट के पावर्स क्या होते हैं वो जो होता है पार्लियामेंट को समन बुलाना पार्लियामेंट को मुलतवी रखना और या पार्लियामेंट को डिसॉल्व करना ये पावर्स है किसके प्रेसिडेंट इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव पावर। नंबर सेकंड द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स ऑफ टू राज्यसभा फ्रॉम अमंग द स्पेशलिस्ट इन द फील्ड ऑफ आर्ट मीडिया कल्चर एंड सो ऑन। जो प्रेसिडेंट जो होता है उसको पावर्स होते हैं वो 12 जो है 12 मेंबर जो होते हैं राज्यसभा के लिए उनकी अपॉइंटमेंट जो होती है वो प्रेसिडेंट ही करता है। वो इसमें कौन से होते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं इन द फील्ड ऑफ आर्ट में होते हैं या मीडिया में होते हैं या कल्चर में होते हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट जो होती है वो कौन करता है वो प्रेसिडेंट ही करता है राज्यसभा मेंबर्स के लिए। ये हो गए लेजिस्लेटिव पावर्स। इसके बाद क्या है इसके द प्रेसिडेंट हैज द राइट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जो प्रेसिडेंट जो होता है वो क्या करता है वो एड्रेस करता है खिताब करता है पार्लियामेंट को और मैसेजेस भेजता है पैगाम भेजना। द प्रेसिडेंट हैज राइट टू एड्रेस उसका काम है या सेंड मैसेज उसका काम है टू बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जो दोनों पार्लियामेंट के बोथ द हाउस होते हैं उनको जो एड्रेस भी करता है वही और मैसेजेस भी उनको भेजता है। तो इसके बाद नंबर नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट विदाउट हिज कंसेंट। उसके कंसेंट के बगैर कोई भी मनी बिल पार्लियामेंट में दखल नहीं की जाती है। और इसके बाद देखो द प्रेसिडेंट गिव्स द एसेंट टू अ बिल आफ्टर दैट इट बिकम्स अ लॉ। जब प्रेसिडेंट उसको एसेंट देता है मंजूरी देता है उसके बगैर क्या होता है वो एक लॉ बन जाता है। दोबारा गौर खोज करने के लिए वो उसको जो बिल पास होती है पार्लियामेंट के से जब वो प्रेसिडेंट के पास होती है जब तो प्रेसिडेंट उसको पास करके वो एक लॉ बनते हैं कभी कभी क्या करता है वो किसी बिल को वापस भेजता है रिकंसिडरेशन के लिए भेजता है आफ्टर इट हैज बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट। अगर उसको पार्लियामेंट पास करता है कैन सेंड बिल बैक टू द रिकंसिडरेशन आफ्टर इट हैज बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट। उसको पास करता है फिर वो उसको वापस भी भेज सकता है। इफ द बिल इज अगेन पास्ड बाय द रिकंसिडरेशन ही हैज टू गिव हिज अप्रूवल। अगर उसने वापस बिल भेज दी पार्लियामेंट में पहले उसने बिल भेज दी उसके लिए तो उसके साथ वो लॉ बनती है। जब अगर वो उसने वापस फिर वापस भेज दी बिल पार्लियामेंट को अगर वो वहाँ फिर वो पास हो गई तो उसको क्या करना है उसको जरूरी उसको बिल को क्या करना है बिल को एसेंट देना है मंजूरी देनी है अप्रूवल देना है। तो इसके बाद द प्रेसिडेंट कैन आल्सो ग्रांट एसेंट टू बिल्स रिजर्व्ड बाय द गवर्नर्स फॉर कंसीडरेशन
of the president. और किसी किसी स्टेट में ऐसा भी होता है जो प्रेसिडेंट जो गवर्नर होता है वो इन बिलों को जमा करके रिजर्व करके प्रेसिडेंट के पास लेता है ताकि वो एसेंट जो होते हैं वो वहाँ से मंजूरी देते हैं उनके लिए एसेंट के लिए डिसेंट जो एसेंट होता है मंजूरी होती है कोई जो स्टेट्स के जो गवर्नर थे वो कुछ बिलों को अपने पास रखकर गवर्नर प्रेसिडेंट के पास लेते हैं ताकि उनसे वो एसेंट हासिल कर सके. तो इसके लिए और एक है द प्रेसिडेंट आल्सो ग्रांट्स एसेंट टू द बिल्स रिजर्व्ड बाय द गवर्नर फॉर कंसीडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट कंसीडरेशन के लिए वो रिजर्व रखते हैं उन बिलों को ताकि उसको मंजूरी दें. इसके बाद जुडिशियल पावर. जुडिशियल पावर्स में क्या होता है द प्रेसिडेंट हैज पावर टू ग्रांट उसको प्रेसिडेंट का पावर्स है वो ग्रांट कर सकता है पार्डन माफी दे सकता है रिड्यूस द पनिशमेंट और पनिशमेंट को कम कर सकता है पनिशमेंट दैट ए पर्सन रिसीव्स इन केस ऑफ कोर्ट मार्शल और डेथ सेंटेंस. अगर कोई किसी को डेथ सेंटेंस होता है या कोर्ट मार्शल उसको प्रेसिडेंट के माफ भी कर सकता है और कम भी कर सकता है. नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन बी स्टार्टेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट व्हाइल ही इज ऑफिस. कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग प्रेसिडेंट के खिलाफ नहीं हो सकती जब तक वो ऑफिस में होता है यानी वो जब तक प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में होता है अपने ओहदे पर होता तब तक उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसके खिलाफ नहीं हो सकती है. दीज वेयर द पावर्स पोजीशन पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. टुडे आवर लेसन इज कंप्लीटेड. थैंक यू. सलाम.